जी ऑलराइट। तो आज हम बात करने लगे हैं जो थर्ड टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। लिमिटेड कंपनीज। अच्छा, पहले तो सवाल ये है कि लिमिटेड कंपनीज को लिमिटेड कंपनी कहा क्यों जाता है, पहला तो ये सवाल है। उसके बाद आगे भी चलते हैं। याद रखना है कि ये लिमिटेड वर्ड जो है ना, इट्स फॉर लाइबिलिटी, यानी के इन केस ऑफ लॉस और इफ इन के और इन केस ऑफ बिजनेस क्लोजर, जो अगर कुछ पेंडिंग आपके वाजिबात हैं, जैसे जिसे लाइबिलिटी बोलते हैं कि कंपनी को या बिजनेस को वो वापस करने हैं, जैसे लोन लिया हुआ है या क्रेडिटर से कुछ चीजें या सप्लायर से चीजें ली थी जो कि आपको जिसकी पेमेंट नहीं की हुई थी वगैरह वगैरह, तो वो उसको बोलेंगे जी कि वो लाइबिलिटी वो लिमिटेड होगी। किसकी? वो ओनर्स की। यानी कि लिमिटेड जो वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है ओनर्स के लिए कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, कि उसको लोन वापस करना है या अगर लॉस हो रहा है तो वो सफर करना है, या अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की हुई अपने सप्लायर को वो वापस करनी है जो आप नहीं कर पा रहे अगर लेट से, तो ओनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यस दे आर रिस्पॉन्सिबल बट टू अ सर्टन एक्सटेंट। तो ये जो लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात हो रही है फॉर द ओनर्स। तो आपने ये याद रखनी है। तो इसलिए इसका वर्ड, इसका जो ये वर्ड लिमिटेड है वो लाइबिलिटी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कहाँ तक लाइबिलिटी होती है ओनर्स की? एक बात आपने याद रखनी है कि लिमिटेड कंपनीज में जो ओनर्स होते हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। ये आपने बात याद रखनी है, शेयर होल्डर्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा, अभी फिलहाल ये ध्यान में रखो कि जो ओनर्स हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड कंपनीज। तो उनकी जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड हो गई। अच्छा, लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट, वो है यहां मैं नीचे लिख रहा हूं कि इनकी जो लाइबिलिटी वो है लिमिटेड लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ उतने के ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक मिनट, जस्ट मिनट, मतलब कि अगर लेट से कि एक शेयर होल्डर है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट से कि एक शेयर होल्डर ए है, शेयर होल्डर ए, और उसने बिजनेस में लेट से $10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। अब बिजनेस को नुकसान हो गया है लिमिटेड कंपनी को, और वो जो लॉस है, जो लॉस हुआ है, लॉस वो बिजनेस को हुआ है $100,000 का। ये लॉस हुआ है किसको? बिजनेस को। नाउ शेयर होल्डर ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द होल लॉस ऑफ द बिजनेस। या लेट से कि आपको कोई लोन वापस करना है, वो भी कोई आपका $50,000 के बराबर है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, ठीक है जी। अब ये भी जो लोन है वो वापस करना है, और अगर तो इसमें और वापस बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो शेयर होल्डर्स आर नॉट सपोज टू पे द होल अमाउंट, कि वो लॉस को कवर करेंगे या वो लोन वापस करेंगे। नो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो सिर्फ जो 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इट विल बी और इट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द शेयर होल्डर, कि आपकी के $10,000 लगे हुए थे, ये अब लॉस पूरा करने में या लोन वापस करने में इस्तेमाल होंगे। दैट्स इट। इसका मतलब है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की है, उसकी कोई पर्सनल कार है या बैंक बैलेंस है या प्रॉपर्टी है, वो सेल ऑफ नहीं की जा सकती टू रिकवर दैट या टू पे द लोन, ठीक है। तो इसीलिए
ये है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड दैट एक्सटेंट इज द अमाउंट विच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर. बस वहीं तक वो लूज करेगा पैसे, उससे ज्यादा कुछ भी लूज नहीं करेगा. तो ये एक्चुअली इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को पता है यार डूबेगा तो सिर्फ मेरा वो पैसा डूबेगा जो कारोबार में लगा, बाकी मेरी बचत हो जाएगी. तो जो कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में नहीं होता. और इसी वजह से एक प्रॉपर्टी आ जाती है लिमिटेड कंपनीज में इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस. यानी कि जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर होते हैं उसमें हम भी यूज द टर्म अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस. तो यहां पर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है मतलब ओनर्स एंड बिजनेस आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, दे आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर और ईच अदर, राइट. तो उस केस में जारी बात है जब बिजनेस को कोई लोन देना है और नहीं दे पा रहा या लॉस हो गया तो वो फिर बिजनेस पे करेगा, ओनर अपना हिस्सा अपना पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा चली जाएगी, या अपना पार्ट पे करके वो साइड पर हो जाएगा शेयर होल्डर, एंड नाउ ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो इसीलिए इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस इसको बोला जाता है कि भाई ये अलग एग्जिस्टेंस है, और अगर कोई बिजनेस का लॉस हो रहा है या लोन चढ़ गया है तो वो बिजनेस ही देगा, वो ओनर का काम नहीं है, शेयर होल्डर का काम नहीं है, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है हाँ उसमें से चला जाएगा, दैट्स इट. तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी को शो करता है, सेपरेट जो हमने पहले भी बात की हुई है लीगल एंटिटी, जो कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के केस में नहीं होता, सेपरेट लीगल एंटिटी. अच्छा, तो इसलिए जो बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस का लॉस है, बिजनेस की के एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी है, वो बिजनेस की है, ओनर की सेपरेट है, जो ओनर अपना पार्ट प्ले करके साइड पर हो जाता है. इस तरह ओनर का प्रॉफिट भी डिफरेंट है फ्रॉम द बिजनेस प्रॉफिट. कुछ प्रॉफिट होता है जो बिजनेस रख लेता है और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है. तो दोनों सेपरेट हैं, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, वो डिफरेंट है. तो इसीलिए इसको हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, या आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं. तो एक तो ये बात हो गई, तो इसलिए लिमिटेड का वर्ड आ रहा है. अच्छा, और साथ हमने इनकॉर्पोरेटेड को भी जोड़ लिया. अब सवाल ये कि लिमिटेड कंपनीज कैसे फॉर्म होती हैं, या ये किस तरह डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, उसको देख लेते हैं. वो ये कि लेट से कि एक मिस्टर ए है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो कहता है मैंने लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट करना है, मैंने सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप नहीं खोलना या सेटअप नहीं करना इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो वो क्या करेगा, मिस्टर ए जो चाह रहा है वो बिजनेस के सेटअप करने की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी. वो सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो बाय लॉ रिक्वायर्ड है वो ये पूरी करेगा मिस्टर ए. अच्छा, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, हम उस पर बात करेंगे आगे जाके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं. तो कुछ की बात हम जरूर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी है. तो आपने जब वो डॉक्यूमेंट लीगल रिक्वायरमेंट सारी अपनी पूरी कर ली तो अब आप फॉर्म कर सकते हैं एक कंपनी. कौन, मिस्टर ए ने एक कंपनी बना ली, फॉर्म हो गई, ठीक है. हम कहेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब नाउ कंपनी हैज कम इनटू एन एग्जिस्टेंस, कंपनी वजूद में आ गई. अच्छा, अब मिस्टर ए इसका ओनर तो है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मिस्टर ए कंपनी को चला नहीं सकता क्योंकि मिस्टर ए को पैसे चाहिए. और एक लीगल रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप कम से कम इतने पैसों से कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर मिस्टर ए ने अकेला ही चलाना होता, इमेजिन करो, तो फिर सोल ट्रेडर ठीक नहीं था, या अगर एक बंदा और ऐड करके पार्टनरशिप चला लेते. कंपनी चलाने का क्या की क्या वजह, उसकी वजह यही है कि मिस्टर ए चाहते हैं कि बिजनेस शुड बी एक्सपेंडेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या शुड बी एक्सपेंडेड इन अ वे दैट इज डिजायर्ड बाय मिस्टर ए, के जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो जाए, यानी कि लिमिट रही ना. तो उसके लिए पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर सूटेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें तो
पार्टनर्स की एक लिमिट है, उससे ज्यादा पार्टनर आप हायर नहीं कर सकते, कैपिटल और नहीं आएगा तो बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। सोल ट्रेडर में तो वैसे ही एक ओनर है तो लिमिटेड कैपिटल आता है। तो कंपनी खोलने की वजह यही है कि यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। व्हाई? बिकॉज नाउ यू विल बी हैविंग मल्टीपल ओनर्स एंड दे विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर्स, और उससे फिर आप बिजनेस को, यू कैन एक्सटेंड योर बिजनेस, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस टू एनी लेवल। तो इसके लिए कंपनी खोली जाती है। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए कहेंगे, अच्छा अब रिक्वायरमेंट भी है कि लेट्स से कि हमें पैसे चाहिए हैं $100,000 स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए $100,000 रिक्वायर्ड है, जो मिस्टर ए के पास नहीं है। तभी कंपनी खोल रहे हैं ताकि और लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, ये टोटल कैपिटल चाहिए, इसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स में, इस पूरे कैपिटल को डिवाइड करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में, या आप कह सकते हो कि पार्ट्स, हाँ स्मॉलर पार्ट्स में या यूनिट्स में, यूनिट्स, ये राइटिंग से अच्छी नहीं आ रही इस वक्त यहाँ पर। अच्छा खैर एनीवे मैं दोबारा से वैसे कोशिश करता हूँ कि सही लिखा जाए। मैं लेट मी मेक इट अ टैबलेट, तो फिर शायद आई गेस ज्यादा बेहतर तरीके से मैं लिख पाऊंगा। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में, यूनिट्स या पार्ट्स में आप कैपिटल को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आप इसके स्मॉलर यूनिट्स बनाते हैं 100,000 के। आप कहते हैं जी कि एक यूनिट जो होगा वो होगा 100 डॉलर्स का। अब आप ये बताओ कि $100 के आप कितने पार्ट्स बना सकते हो अगर $10,000 है तो? 1,000 इतना ही होगा ना, यानी कि आप $100 के अगर 1,000 यूनिट्स या पार्ट्स बना दो तो $10,000 आ जाता है। अच्छा ये क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि कोई एक बंदा तो $100,000 नहीं पे कर सकता, बड़ी अमाउंट है हम अज्यूम कर रहे हैं लेट्स से। तो आप इसको स्मॉलर यूनिट्स में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हर बंदे से वो छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट ले लें। अच्छा इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आपने $100 का एक यूनिट बना लिया तो आप इसको एक लीगल शेप देंगे, और उसको हम बोलते हैं, याद रखना है, शेयर। आप क्या कहेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, एक शेयर $100 का, और आपने याद रखना है इसके लिए इसका पूरा नाम है शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि दोज हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट $100 दे कैन बाय अ शेयर। नॉर्मली वैसे एक शेयर बाय किया नहीं जाता पाकिस्तान में, जैसे अगर शेयर बाय करने हैं ना आपने किसी कंपनी के तो आपको 500 से स्टार्ट लेना पड़ता है, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, इस तरह से शेयर खरीदे जाते हैं। बहरहाल मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर एक शेयर लेना है तो वो बंदा अगर $100 की इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो एक शेयर उसको मिल जाएगा, और एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? $100, और इसको हम उसकी फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस वैल्यू मतलब वो शेयर के ऊपर लिखी होगी कि ये शेयर का मालिक अब ये बंदा है, एंड इट विल बी ड्यूली स्टैम्प्ड बाय कंपनी ऑफिशियल्स, या जो मिस्टर ए है वो उसको साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा कंपनी की, कि अब $100 की जो इन्वेस्टमेंट है इस बंदे की आ रही है, तो इस बंदे का राइट है कि ये $100 की इन्वेस्टमेंट को ओन करता है आउट ऑफ $100,000। अच्छा अब वो जितने शेयर ज्यादा खरीद लेगा, फर्ज किया वो दो शेयर खरीद लेता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट $200 की हो जाएगी, तीन खरीदेगा तो $300 की हो जाएगी, और इसी तरह अगर 500 शेयर खरीद लेगा तो अकॉर्डिंगली उसी तरह उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $50,000 की हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं कि ये जो मिस्टर ए है, ये विल, मिस्टर ए विल स्टार्ट सेलिंग शेयर्स, और उससे जो जो शेयर खरीदता जाएगा पैसा बिजनेस में आता जाएगा। अब शेयर्स हमने अभी बात की है, कितने शेयर्स टोटल होंगे जी? 10,000 यूनिट्स होंगे, यानी कि मैंने 100
$1,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने इसको डिवाइड किया इनटू स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल शेयर्स. द वैल्यू और द प्राइस ऑफ ईच शेयर इज $100 एंड इन दिस वे आई विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स और 10,000 शेयर्स. अब डिफरेंट लोग उसको बाय करेंगे, कोई 500 बाय कर रहा है, कोई 1,000 बाय कर रहा है, पर इस तरह कि मैं $10,000 के शेयर जब बेच लूंगा तो हाउ मच अमाउंट विल आई गेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट? $100,000. तो दिस इज द वे लिमिटेड कंपनीज दे रेज फाइनेंस बाय इशूइंग शेयर्स. दिस इज व्हाट वी कॉल, हम जो टर्म इस्तेमाल इसके लिए करते हैं वो क्या होती है जी, वो होती है इशू ऑफ शेयर्स. शेयर इशू किए जाते हैं और जो लोग खरीदते हैं वो क्या बन जाते हैं? शेयरहोल्डर्स. यस, शेयरहोल्डर्स. एंड नाउ दे आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. तो अब इसमें कोई लिमिट नहीं लगी हुई कि जितने मर्जी बंदे खरीद लें शेयर्स, अगर इफ दे आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कंपनी, आपका वो रिलेटिव है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसमें शेयरहोल्डर्स बढ़ सकते हैं. अच्छा, अब उसमें हम ये बात जरूर करेंगे कि दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. और प्राइवेट में एक लिमिट होती है जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देयर इज नो लिमिट. तो यू कैन ऐड एज मेनी शेयर होल्डर्स एज यू वांट. तो अच्छा, अब जब ऐसा हो गया, जब शेयर्स आपने इशू कर लिए और आपके पास फाइनेंस आ गया $10,000 का, इसका मतलब है अब आपको वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए थी वो आपके पास आ चुकी है. ठीक है, ये वाली अमाउंट आपने. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस सर, अगर तो मिस्टर ए ने सारा फाइनेंस ही मतलब शेयर्स बेच के लिया, तो इससे मिस्टर ए को, मिस्टर ए की तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है. वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. अब होता ये है कि $10,000 की आपने जब ये 10,000 शेयर्स बेचे हैं, तो नाउ इट्स अप टू मिस्टर ए कि वो कितने शेयर खुद पहले खरीदना चाहता है. ऑब्वियसली इट विल बी डिसाइडेड बाय मिस्टर ए कि जी मैं 10,000 शेयर्स तो बन गए, फाइन, $100 का एक है, तो इस 10,000 शेयर्स में से लेट से 6,000 शेयर्स मैं खुद रखूंगा, एग्जांपल है. और इसका मतलब है कि मैं फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा बिजनेस में, और वो कितने की होगी, वो होगी, अब देखो 6,000 अगर शेयर खरीदेगा और $100 का एक शेयर है, तो ये बन गया 60,000 डॉलर के आ गए शेयर. ठीक है, yes. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने $100,000 में से अब 60% जो शेयर्स हैं, क्योंकि 10,000 शेयर्स थे ना, अब 6,000 शेयर्स मिस्टर ए ने खरीद लिए, तो अब 60% शेयर मिस्टर ए के पास है जो मेजोरिटी शेयर्स हैं, और बाकी जो 4,000 शेयर्स होंगे वो दूसरे लोग जो है ना वो खरीद लेंगे. मिस्टर ए को $100,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसमें से खुद कुछ शेयर खरीदेगा. ऑफ कोर्स अगर नहीं खरीदेगा तो मिस्टर ए ओनर कैसे रहेगा? और कोई ऐसा चाहेगा कि वो कंपनी स्टार्ट करे और वो बाकी शेयर्स कोई और सारे खरीद लें और वो फिर कंपनी से निकल जाए? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा. तो जनरली कोशिश ये होती है कि मेजोरिटी शेयर वो अपने पास रखे. तो क्यों रखे, मैं आपको अभी बताता हूँ. यानी कि मिस्टर ए ने मोर देन 50% शेयर अपने पास रखे हुए हैं. टोटल शेयर 10,000 के हैं और नंबर ऑफ शेयर 6,000 जो हैं वो मिस्टर ए ने रख लिए. तो मोर देन 50% या अगर हम टू बी एग्जैक्ट 60% शेयर जो हैं वो मिस्टर ए ने अपने पास रखे हुए हैं इस केस में. ऐसे ही है ना सर? इज इट पॉसिबल कि एक और बंदा आके सारे 4,000 शेयर्स खरीद ले तो फिर सिर्फ दो शेयर होल्डर्स होंगे? बिल्कुल ऐसे हो सकता है. और ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि दो बंदों से आप कंपनी नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हैं. लेकिन मैंने तो एक छोटी एग्जांपल दी ना आपको कि आपको $100,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए. जब आप लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो आपको इससे कहीं ज्यादा की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, $1 बिलियन, $2 बिलियन, $10 बिलियन. तो फिर वो एक बंदे की कैपेसिटी में होता ही नहीं है कि वो इतना फाइनेंस या इतने शेयर खरीद सके. तो उसके लिए फिर मल्टीपल शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि जब कंपनी एक्सपैंड करती है तो उनको फाइनेंस चाहिए होता है. तो टू रेज फाइनेंस वो दोबारा शेयर इशू करते हैं. तो आपको लगता है कि एक बंदा शेयर खरीदता जाएगा जब भी कोई कंपनी ऑफर करेगी शेयर? ऑब्वियसली नहीं कर सकता ना, क्योंकि एवरीबॉडी हैज अ लिमिट. उसके बाद एक सर्टन अमाउंट ऑफ फाइनेंस ही है. तो फिर नए शेयर होल्डर्स ऐड होते रहते हैं. अगर स्टार्ट में ऐड नहीं भी होते तो व्हेन बिजनेस प्लान्स टू एक्सपैंड
तो उस वक्त ऐड हो जाते हैं, तो इनफैक्ट दो रहते नहीं है, वो बढ़ते ही जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक माइक्रोसॉफ्ट की, नाम सुना है ना आपने माइक्रोसॉफ्ट का? यस। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है? नहीं पता? बिल गेट्स। हाँ जी, बिल गेट्स। हाँ, सबको यही पता है, सब यही कहते हैं बिल गेट्स जो है वो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन बिल गेट्स ने सारे शेयर नहीं खरीदे हुए। माइक्रोसॉफ्ट इज ए लिमिटेड कंपनी, लेकिन बिल गेट्स अकेला शेयर होल्डर नहीं है उसमें। लेकिन चूंकि उसने स्टार्ट की, फाउंडर था, और उसके शेयर स्टिल मौजूद हैं, वो डायरेक्टर भी रहा है, तो इसीलिए सब उसी को जानते हैं। गॉट इट? यस। तो उसने भी यही किया कि उसने को दो पार्टनर से, दो शेयर होल्डर से थोड़ी कंपनी बड़ी की है। उसने शेयर बेचता गया और शेयर होल्डर आते गए, और अब वो इट्स अ ह्यूज जाइगेंटिक कंपनी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस। अच्छा, और अब अगर मिस्टर ए के पास 6,000 शेयर हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 6 लाख। यस, यानी कि अब 1 लाख में से, $1,00,000 में से, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, 6,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 600,000। तो हमारे पास तो टोटल इन्वेस्टमेंट 100,000 की है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे एक जीरो और लगाना था ना हमने, 10,000 को 100। हाँ वही ना, 10,000 को जब 100 से आप $100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने एक जीरो और ऐड कर दिया। अब ये 1,000 बल्कि ये कितना बन गया, $10,00,000 है ना? यस सर। अब सही है। तो अब ये है कि ये हमारे पास $10,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, और $6,00,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिस्टर ए ने की है, राइट? यस। तो मिस्टर ए के पास 60% शेयर आ गए हैं अब, राइट? इसका मतलब है कि अब कंपनी एक फॉर्म हुई है, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक मेजर शेयर होल्डर है जिसके पास 60% शेयर हैं, जो कि मिस्टर ए है। उसके अलावा वहां पर एक शेयर होल्डर बी भी है, एक सी भी है, एक डी भी है, एक ई भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हो सकता है बी के पास 10% शेयर हो, सी के पास जो है ना वो लेट से 5% शेयर हो सकता है, डी के पास 20% हो सकता है शेयर हो, राइट? और ई के पास भी 5% शेयर हो। तो ये टोटल मिला के कितने बन गए? 100% बन गए। तो उसमें, लेकिन हमारे पास जो मिस्टर ए है, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो फाउंडर था, जैसे मैंने बिल गेट्स की एग्जांपल दी है, मिस्टर ए जो है वो फाउंडर था, जिस तरह हम कहते हैं ना अमेज़न, जिसका ओनर जेफ बेज़ोस है, तो वो भी फाउंडर था ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके और शेयर होल्डर्स नहीं। इस तरह पेप्सी है, कोका कोला है, तो वो भी लिमिटेड कंपनीज है, उनके भी ढेर सारे शेयर होल्डर्स हैं। आप भी शेयर खरीद सकते हैं और ओनर शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो फाउंडर है, को फाउंडर भी होते हैं, वैसे को फाउंडर भी नहीं। अब मार्क ज़करबर्ग को आप ले लो, तो वो किसका ओनर है? नहीं पता सर? नहीं। फेसबुक। अच्छा, तो अब फेसबुक का ओनर है, उसका को फाउंडर भी मौजूद है, अब वो भी शेयर होल्डर है, लेकिन फेसबुक एक लिमिटेड कंपनी है और भी शेयर होल्डर मौजूद है। अच्छा, फाउंडर जो है ना वो हमेशा क्या चाहता है, कि वो चाहता है कि वो हमेशा मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहे, मेजॉरिटी शेयर उसके पास रहे, या मेजॉरिटी शेयर उसके पास रहे, फाउंडर के पास। क्यों भला? अब मैं आपको ये बताने लगे, इसकी वजह क्या है। होता नहीं, जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसे हो, लेकिन उसकी कोशिश यही होती है कि मेरे पास ही रहे शेयर, और उसकी वजह क्या है वो हम देखने लगे अभी आगे। और वो ये कि अब आपने याद रखना, जब कंपनी बन गई, पैसा भी आ गया, ठीक है, आपके पास $10,00,000 का, अब क्या करना आ गया? आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे? नो, अभी भी स्टिल यू कैनॉट स्टार्ट योर बिजनेस। मतलब आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, फाउंडर ने इन्वेस्टमेंट जितनी चाहिए थी वो इकट्ठी कर ली, शेयर होल्डर्स आ गए हैं, लेकिन स्टिल बिजनेस कैन नॉट फंक्शन। डू यू नो व्हाई? क्योंकि टू रन और मैनेज द बिजनेस यू रिक्वायर पीपल हु आर कॉल्ड BODs, याद रखना। और BODs से मुराद क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाम सुना हुआ आपने? यस। अब उसमें यही होता है कि
सबसे ऊपर ना एक कंपनी के आ जाता है सीईओ, उसके नीचे डायरेक्टर आते हैं, एक डायरेक्टर फाइनेंस हो जाता है, एक डायरेक्टर मार्केटिंग हो जाता है, इसी तरह एक डायरेक्टर ऑपरेशंस हो जाता है जहां प्रोडक्शन होती है वगैरह वगैरह। तो हर डायरेक्टर को एक एरिया दे दिया जाता है, एक फंक्शन दे दिया जाता है बिजनेस का, एंड बीओडी बीओडी जो है वो उसको लुक आफ्टर करता है। अच्छा, ये तो है टॉप टीयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो बीओडीज हैं ये नीचे हायर करते हैं मैनेजर, और मैनेजर जैसे कि ब्रांच मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है। मैनेजर जो होते हैं वो फिर अपने अपने एरिया को, अपनी ब्रांच को हैंडल करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे डू नॉट विजिट ब्रांचेस टू ऑफन, दे सिट इन द हेड ऑफिस, दे आर पॉलिसी मेकर्स, दे मेक बिग डिसीजंस कि अब कौन सा टेक ओवर करना है, किस बिजनेस को, कहाँ पर नई ब्रांच खोलनी है, किस मुल्क में वगैरह वगैरह। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, मतलब दे मेक पॉलिसीज, दे टेक डिसीजंस एंड देन दे अलाउ मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि मैनेजर्स दे वर्क एट द ग्राउंड लेवल, उनके अंडर एम्प्लॉयज होते हैं, वो स्टाफ मेंबर्स को कम्युनिकेट करना, उनसे काम कराना, वो सब मैनेजर्स का काम है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय मैनेजर्स हु आर हायर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सवाल ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन रखता है? मैनेजर तो चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख लेते हैं, और आगे मैनेजर से आगे फिर आप लोअर लेवल मैनेजर्स रख सकते हैं, जिनको हम सुपरवाइजर्स भी बोल सकते हैं, जो कि वर्कर्स पर दे हैव अ क्लोज आए कि क्या कर रहे हैं, टाइम पर आ रहे हैं, जा रहे हैं वगैरह वगैरह। और उसके नीचे फिर एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं, एंड दे गेट सैलरीज। तो अब ये कि जैसे कि अब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस का है तो वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देखेगा, तो वो मैनेजर कौन सा हायर करेगा? फाइनेंस मैनेजर। और उसके नीचे एम्प्लॉयज कौन से होंगे? वो जो फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं। इसी तरह जो मार्केटिंग डायरेक्टर होगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड इश्यूज को देखेगा, उससे रिलेटेड डिसीजन लेगा, और वो नीचे मार्केटिंग मैनेजर को हायर करेगा। इसी तरह ऑपरेशन मैनेजर भी प्रोडक्शन को डील करेगा, रॉ मटेरियल वगैरह, और वो उसके लिए मैनेजर हायर करेगा जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, आपने याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हायर नहीं किए जाते, मतलब यस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस के, एंड दे गेट सैलरी, वेरी हाई सैलरी, बट दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ रनिंग बिजनेसेस। तो क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने अगर बिजनेस में लेकर आना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है इन लिमिटेड कंपनी, और उसको हम बोलते हैं वोटिंग। वोटिंग इज डन, रिमेंबर। और उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म आपके पास है AGM, याद रखना, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब कि अब जैसे कि ये मिस्टर ए, हमने कहा ना बिजनेस उसने स्टार्ट किया, तो मिस्टर ए सारे शेयर होल्डर्स को कॉल करेगा मीटिंग के लिए, जिसको हम बोलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग आप बोल रहे हैं उसे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, सारे शेयर होल्डर आएंगे और वहां पर वो एक पैनल को लेकर आएंगे कि ये लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, तो आपको, आप क्या चाहते हैं, कौन से लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। वो डिपेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि बिजनेस का साइज आप कितना बड़ा करना चाह रहे हैं या कितना बड़ा है। तो आप वो उसी नंबर के हिसाब से 3 या 7 जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर कर लेते हैं, सॉरी हायर कह रहा हूँ, इलेक्ट करते हैं। तो याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड, दे आर नॉट सिलेक्टेड। इसका मतलब है बकायदा इलेक्शन होता है जिसमें वोटिंग की जाती है, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं, और जिस बंदे को ज्यादा वोट कास्ट किए जाते हैं वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है। इसी तरह फिर दूसरे बंदे की बारी आती है, उसको भी वोट दिए जाते हैं, फिर दूसरा बंदा हायर, इसी तरह इलेक्ट किया जाता है, और इस तरह जितना भी नंबर आपको 3 चाहिए 4 चाहिए 6 चाहिए 7 चाहिए आप इस तरह से इलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी है कि यहाँ पे वोटिंग जो होती है वो की तो जाती है, लेकिन एवरी सिंगल शेयर होल्डर इज नॉट हैविंग वन वोटिंग राइट। मतलब अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मिस्टर ए है जिसके पास 60% शेयर है मार्केट का, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट का, तो अब आपने याद रखना है वोटिंग पावर इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर। यानी कि अगर मिस्टर ए ने 10 लाख में से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, $6 लाख की, या
आप कह लो कि 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसका शेयर शेयर है या शेयर होल्डिंग पावर जो है वो 60% है, तो वोटिंग पावर भी 60% कंसिडर की जाएगी। इसका मतलब है व्हेन मिस्टर ए विल कास्ट वन वोट, तो उसकी जो पावर है वो 60% के बराबर है, यानी कि कहेंगे कि 60% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने वोट कास्ट कर दिया है। समझ आ रही है? इस तरह से पावर कंसिडर की जाती है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मिस्टर ए अपने आप को ही, मिस्टर ए नहीं लिखा, अपने आप को ही वोट दे देता है, ठीक है, मिस्टर ए कास्ट अ वोट इन फेवर ऑफ हिमसेल्फ, तो अब कैन एनी शेयर होल्डर, अगर वो चाहते हैं कि वो शेयर होल्डर ना बने, तो कैन दे स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग अ शेयर होल्डर? नो नो, क्योंकि अगर 60% उसने वोट डाल दिया और 60% शेयर होल्डर अज्यूम हम कर रहे हैं कि वो उसकी फेवर में चले गए हैं, तो अब अगर बाकी जो जितने भी शेयर होल्डर हैं, जो हमने नीचे अभी देखा है कि बी है, सी है, डी है, ई है, ये उसके अगेंस्ट भी चले जाएं, उसको वोट ना भी दें, तो उसके अगेंस्ट कितने वोट पड़ेंगे? 40%, दैट्स इट, स्टिल मिस्टर ए विल बी द विनर। समझ आ रही है? यस। इसका मतलब है कि मिस्टर ए जो है वो इसीलिए मेजोरिटी शेयर अपने पास रखता है क्योंकि उससे उसके लिए आसानी होती है। बी ओ डी विल बी मिस्टर ए, मिस्टर ए जो है वो ओनर भी बन गया और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन गया बिकॉज ऑफ मेजोरिटी शेयर्स हेल्ड बाय हिम। अब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि मैनेजमेंट भी उसकी और ओनरशिप भी उसी की है, प्रॉफिट होगा तो 60% प्रॉफिट मिस्टर ए को जाएगा क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर। तो इसके पास 60% शेयर्स हैं तो इसका प्रॉफिट भी, अगर $10,000 का प्रॉफिट होता है तो 6,000 का प्रॉफिट मिस्टर ए को जाएगा और सारे जो डिसीजन हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी कौन बना रहा है? वो मिस्टर ए बना रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। जो बाकी हैं शेयर होल्डर, वो ओनर तो है, मिस्टर बी ओनर है, मिस्टर सी भी ओनर है, डी भी है, ई भी है, लेकिन दे आर नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन पॉलिसी मेकिंग में क्या करना है, बिजनेस को क्या डिसीजन कब लेना है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, जिसे फाउंडर बोल रहे हैं, या हम उसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं प्रोमोटर, याद रखना है ये भी उसी के लिए ही है, प्रोमोटर, वो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, शेयर्स को इशू किया है, फाइनेंस इकट्ठा किया है, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि भाई उनका कंट्रोल रहे बिजनेस पे। तो कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ना रहे, बेशक शेयर होल्डर रहे, तो कंट्रोल तो चला गया, तो वो कहेगा यार मैंने इतनी मेहनत से कंपनी फॉर्म की है, अब मैं ही कंपनी को कंट्रोल करने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं ही मैनेज नहीं कर सकता, कोई और कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे, तो वो काफी पेनफुल होगा एक बंदे के लिए जिसने खुद कंपनी स्टार्ट की है। तो वो फिर मेजोरिटी शेयर अपने पास रखते हैं, मतलब वो मेजोरिटी शेयर की जो अमाउंट होती है वो खुद इन्वेस्ट करते हैं, तो दे बाय द शेयर, सॉरी दे बाय मेजोरिटी शेयर देमसेल्फ, जो आपने भी बात की कि वो खुद क्या बाय करेंगे, तो वो ये करते हैं ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन जाए साथ। अच्छा, तो इनको जब पहली दफा ऐसा होता है ना, तो हम बोलते हैं इनको फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स वही बनेंगे। ऑफ कोर्स फिर अगर आप कंपनी को एक्सपेंड करते जाएंगे, स्टार्ट में तो आप बन गए, तो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी थोड़ी रहेगी, यानी कि अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट कंपनी की देखी है ये है ना इन्वेस्टमेंट हमारे पास $10,00,000 की, तो अब वो कंपनी को और पैसा चाहिए, तो 10 लाख से बढ़ गया, 20 लाख हो गया, $30,00,000 हो गया, $40,00,000 हो गया, $50,00,000 हो गया, अज्यूम करें, ठीक है, तो इसने कितने शेयर खरीदे हुए हैं? इसने 10,000 में से 6,000 शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कंपनी ने मजीद एक्सपैंड करना है, तो अब 10,000 शेयर की जगह तो इशू हुए हुए हैं, फाइन, ठीक है, लेकिन अब वो क्या करते हैं, मजीद और शेयर इशू करते हैं। और मैं इसको जरा एक मिनट चेंज कर देता हूँ, ये जीरो हटा देता हूँ यहाँ से, 10,000 शेयर थे पहले, 6,000 थे मिस्टर ए के पास,
ठीक है, 6,000 मिस्टर ए के पास से, तो 60% शेयर बन रहा है। अब क्या हुआ कि मजीद एक्सपेंड करना है तो और शेयर इशू किए गए, तो अब जो है टोटल कैपिटल चला गया 18,000 पे, सॉरी जो शेयर हैं वो 10,000 से चले गए 18,000 पे। तो क्या अब जो मिस्टर ए है उसका शेयर 60% रहा? नो सर। नो, इसका मतलब है अब क्योंकि वो सारे शेयर तो नहीं खरीद सकता, शेयर बढ़ते जा रहे हैं, अब 18,000 से आगे चल के 30,000 हो गए, फिर उससे और बढ़ के 50,000 हो गए, तो शेयर इशू करते जा रहे हैं। अब वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे शेयर जो इशू कर रहे हैं वो खरीद ले, या एटलीस्ट 50% ही खरीद ले, ऐसा मुमकिन है? तो जैसे ही उसके शेयर 50% से कम हो जाएंगे, जैसा कि अब आपको नजर आ रहा है कि अगर 50,000 शेयर इशू हुए हुए हैं और उसके शेयर सिर्फ 6,000 है, तो ये वे बिलो 50% हो गया। क्यों ऐसा है? Yes. तो अब जब मीटिंग कॉल की जाएगी, वो नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो हर साल कॉल की जाती है, ठीक है, इसलिए उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, नाम ही इसलिए। तो अब जब एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी तो उसमें उसका शेयर, वो अपने आप को वोट दे भी दे, लेकिन उसका शेयर लेट से अब 60% से कम होके रह गया है लेट से 20%, तो अब वो अपने आप को दे भी दे वोट, तो बाकी अगर शेयर होल्डर नहीं चाहते कि वो बने तो 80% वोट अब उसके अगेंस्ट जाएंगे, वो किसी और को वोट दे रहे, तो अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेगा। समझ आ रही बात की? Yes. तो इसको ये अब नहीं रहेगा, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इस हम चीज को बोलते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं हम इसके लिए। मैं ये स्पेस जरा देख लूं कि कहां मैं लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं कि जब अब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कंट्रोल विल बी लॉस्ट। अब मिस्टर ए कैन नॉट मैनेज द बिजनेस, कैन नॉट मेक पॉलिसीज, बिकॉज मिस्टर ए इज नो मोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अब क्या होगा कि इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल हम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो टर्म है डायवोर्स। डायवोर्स आपको पता है अच्छे तरीके से ना, सेपरेशन जिसे बोलते हैं, हम टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि जी मियां बीवी में डायवोर्स हो गई, उसी से है, जिसका मतलब सेपरेशन होता है। तो ये डायवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल मतलब क्या इसका, बताओगी मुझे? सर कि ओनरशिप उसकी मिस्टर ए की, लेकिन कंट्रोल उसका नहीं है। जी, यानी कि अब कंट्रोल किसी और के पास है और ओनरशिप किसी और के पास है, मतलब जो शेयर होल्डर है उसके पास मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं रहा। तो ये ऐसा हो सकता है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब ये आगे टाइप्स जब पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें ये टर्म इस्तेमाल होगी। तो डू रिमेम्बर दैट। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? यस सर। सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सिर्फ एक बंदा या सीईओ, सीईओ वगैरह सब इसी में आएंगे? नहीं, सब इसी में आएंगे। सीईओ होता है वो असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर होता है, लेकिन होता वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है, लेकिन वो सबसे ऊपर टॉप पे भी कोई बंदा होना चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो सर सीईओ मिस्टर ए होगा अगर उसके पास मैक्सिमम शेयर।